नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। मणिपुर मसले पर केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद गुरुवार को विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के पक्ष में नहीं थे, इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों की टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगी। गुरुवार को पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर करारा हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में पसमांदा मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी पसमांदा स्नेह यात्रा की जल्द शुरुआत करने वाली है। आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। मणिपुर मसले पर केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने तंज कसते हुए कहा कि वो अपने दिल के रंग की तरह विपक्ष ने कपड़े पहने हुए हैं। वहीं विपक्ष अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि मणिपुर मामले पर पीएम मोदी संसद में जवाब दे। वो तन पर भी दिख रहा क्या छुपा रहे हैं ये इन कपड़ों के पीछे, क्या छुपा रहे हैं ये इन काले कपड़ों के पीछे। इनका दिल भी काला है, इनके शब्दों में भी काला है। क्या काला धन इनके पास इतना हो गया कि उसको छुपाने के लिए काले कपड़े पहन रखे हैं? ये काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े, और यहाँ इनके काले कारनामे इतने ज्यादा खराब बढ़ गया कि वो काले कारनामे छुपाने के लिए ये काले कपड़ों में यहाँ पे आए। वैसे तो एक माननीय सदस्य के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। They did not allow, even when I stood, the entire ruling party MPs, they stood and shouting, Hindustan versus what is, that they slow. पहले भी होता था ना, ruling party कभी नहीं करती, क्योंकि they blame us always, opposition गड़बड़ कर रही, सुनना नहीं चाहती, लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि नोटिस पर सभी की सहमति से हस्ताक्षर करवाने चाहिए थे। सहयोगी दलों ने कांग्रेस द्वारा नोटिस सौंपने के एकतरफा फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। सीपीआई और टीएमसी जैसी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी थी। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने बताया है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी चिंता भी जाहिर की थी। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दिखाना भी है, इसीलिए सभी की सहमति जरूरी थी। इंडिया गठबंधन को सांसदों की टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगी, और समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने चुनाव आज तक से खास बातचीत में कहा कि हम आशा करते हैं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर में जाने दिया जाएगा ताकि जमीनी हकीकत को देखा जा सके। अपोजिशन के डेलीगेशन वहां जाए और ज़मीनी हकीकत को जाने, बहन बेटियों के साथ औरों के साथ कितना क्या हुआ है, ये तो एक वीडियो आपने देखा है। बड़ी दीदा दिलेरी से वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे वाक़ात तो 100-150 हो गए, शर्म आनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर। कितने मकान जल गए, कितने बेटियों की इज्जतें लूट गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी बेवाएँ हो गईं। क्या ये हमारा हक नहीं है या देश का हक नहीं कि वो जाने? इस सब को उसे जानना चाहिए, इसीलिए हम डेलीगेशन जा रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार का एरोगेंस और सरकार की हिटलरशाही से हमें ये अंदेशा है कि हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँचने दें। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। गुरुवार को पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान चुनाव में लाल डायरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने वाली है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आने वाले चुनाव में
राजस्थान की जनता बीजेपी को लाल झंडी दिखाने वाली है। चलिए सुनाते हैं आपको कि इस पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हमला बोला गहलोत पर और गहलोत की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया गया है बीजेपी और प्रधानमंत्री को। सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, लेकिन कांग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही। आए दिन गैंग वॉर की खबरों ने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगाड़ दिया है। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। प्रधानमंत्री जी को बजाय जहां डायरी की बात करें, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए। लाल टमाटर लाल है और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत देना हूँ, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। वहीं इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले ये ट्वीट किया था कि पीएमओ ने उनका 3 मिनट का जो भाषण है उसे कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से वो ट्विटर के जरिए ही पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली के दौरान इसका जवाब देते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन पैरों में चोट की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं। कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है, आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। लोकसभा चुनाव में पसमांदा मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी पसमांदा स्नेह यात्रा की शुरुआत जल्द करने वाली है। ये यात्रा दिल्ली में मौजूद पार्टी मुख्यालय से शुरू होकर यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की खास नजर है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। इस यात्रा पर विपक्ष के कटाक्ष करते हुए कहा यह है कि अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के बीच बीजेपी दिखावा कर रही है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।